गांव के किसान इसी प्रकार से सुबह सुबह जो है हल उठा के बैल पकड़ के जो है अपने खेतों की ओर जाते हैं। काय बुनत हस गा रहिला, ये का रहिला है दिखा? अरे मझलिया मधे हैगा। अच्छा हाँ, उरद उरद में सान के बुन देवे तो वो जान थे तो पेड़ करा होते तो खाद के रूप में बन जाते का। पुराने जमाने के डोकरे लोग काफी तगड़ा रहते हैं दोस्तों, देख सकते हैं 70-80 की उम्र में भी हल जोताई कर रहे हैं। सबसे पहले तो आप सभी को जय जवान जय किसान। आप लोग काफी ज्यादा कमेंट कर रहे थे कि भाई खेती किसानी से रिलेटेड कुछ ब्लॉग डालिए, लाइफस्टाइल ब्लॉग, खेती बाड़ी कैसी चल रही है उसका ब्लॉग डालिए करके। और इस टाइम जो मैं क्या है अपने फैमिली में शादी चल रहा था, तो मैं शादी में जो भी इन्जॉयमेंट हो रहा था वो उसको भी मैं मतलब छोड़ना नहीं चाहता था, क्योंकि काफ़ी सारे यार दोस्त लोग आते हैं, उनके साथ खूब सारा मस्ती करते हैं, तो यादगार बना रहे करके जो है हम शादी वाला ब्लॉग सब डाल रहे थे। ठीक है, और दरअसल अपना फैमिली का ही था इसलिए। तो फिलहाल अभी हम हैं अपने घर में ही, आंगन में खड़े हैं और यहीं से जो है ब्लॉग की शुरुआत करने जा रहे हैं। कैसी खेती किसानी हो रही है गांव में ये सारा चीज़ दिखाएंगे। और आज जो है हम मूंगफली की खेती, आज मौसम ठीक है कल 2 दिन की अपेक्षा, तो खुला मौसम रहता है तो मूंगफली खेती वगैरह जो है किया जाता है। और कल शाम को जो है हमने ये देखो इसको भिगोए हैं, और शाम को जो है इसको निकालना है और टोकरी सब में रखना है ताकि इसमें से बढ़िया से अंकुर निकले। और ये धान है ये देखो सेजेंटा कंपनी से है, S4001 हाइब्रिड राइस सीड। ठीक है, तो हमने ये 3 पैकेट जो है अपने खेतों में रोपाई करने के लिए जो है इसको तैयारी कर रहे हैं कहना चाहिए। टाइम जो है 7:14 हो रहे हैं। अब इधर है बाबू की मम्मी, इधर खाना पीना बना रही है, मतलब खाना का जो पसिया होता है उसको निकाल रही है। उसके बाद लड़के को तैयार करेंगे, फिर जो है हम अपने खेत तरफ चलेंगे। कल जो है हम पत्थल गांव गए थे तो भिंडी लाया था, तो उसको जो है बाबू आज स्कूल जाएगा, जिसकी वजह से सुबह सुबह जो है इसके लिए खाना तैयार किया जा रहा है। तो 7:18 हो गया, 8 बजे तक तैयार हो जाएगा। ये रहा अपना किचन रूम, गैस थोड़ा सा बचा होगा ना। आज इसका शुरुआत दिन है, बीच में अभी अपने फैमिली में जो है शादी हो रहा था, इसकी वजह से जो है जा नहीं रहा था। शादी समाप्त हुआ, अब खेती बाड़ी भी चालू हो गया, अब इसका स्कूल जाना डेली और इसके पता से इसको तैयारी सब करना होगा। इधर से ही है और अभी चलते हैं बाहर तरफ और देखते हैं कैसा नज़ारा, कैसा खेती बाड़ी गांव में हो रहा है, सारा चीज़ दिखाने की कोशिश करेंगे। और इधर अपना बकरी लोग देखो, इनको भी मतलब चराने ले जाना पड़ता है, कभी कभी मैं भी चला जाता हूँ, तो मूंगफली लगा लेंगे, फिर एक आध टाइम से जो है हम इनको चराने भी जा सकते हैं। बरसात के जुगाड़, ठीक है, हमने लकड़ी वगैरह जो है ऐसी जुगा के जो है रखा हुआ है ताकि बरसात कितना भी आए तो घर में आराम से चूल्हा जला सकें हम। तो ये अपना गली, ये रोड। तो आज मौसम थोड़ा ठीक है, बादल तो है लेकिन बारिश आने का संभावना अभी नहीं है। तो इधर हमारे घर के बगल में कुछ खेती किसानी हो रही है, कुछ बुआई हो रही है, तो चलिए दिखाते हैं क्या क्या खेती हो रही है, इधर क्या चीज़ की बुआई हो रही है और इधर ट्रैक्टर से जो है जोताई हो रहा है। काय बुनत हस गा रहिला? अच्छा, का रहिला है दिखा? अरे मझलिया मधे हैगा। अच्छा हाँ,
ये माथे है थोड़े कुन है माचे है और आप मन दे हां हां अब हो है नहीं हो है हां हां ये अब ऊपर है ये देखो दोस्तों, गांव के किसान इसी प्रकार से सुबह सुबह जो है हल उठा के बैल पकड़ के जो है अपने खेतों की ओर जाते हैं। और ये देखो ये घोड़ा एरिया है, काफ़ी पथराव भरी जमीन है। इसमें जो है का लगाए हसे में ये में अच्छा तो काली उड़द होता है, वो काली उड़द जो है इसमें बोया गया है। हैं हाँ तो अपने इधर जो ऐसी ज़मीन जो रहता है उसमें तिल उड़द राहड़ वगैरह जो है बोते हैं। ये देखो ड्राइवर, ड्राइवर हर बढ़िया कुदाए थे कम गड़वा थे कहेगा काली ने बोला था कड़ी मैंने गड़वावे का मैंने गड़वावे। हाँ अच्छा ये पढ़ रहा है का है सुपर अच्छा ये का काम आते दिया पानी खाए ना। हाँ हाँ उड़द उड़द में शान के बुन देवे तो जानते तो पेड़ करा होते तो खाद के रूप में बन जाते का। हाँ हाँ तो बने उपजाऊ होते का उड़द है। हाँ 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 एक कारण बुन थन कबे। हाँ हाँ नागर ला बने गड़वा दबाई के जाग दे। तो भाई लोग अपने इधर का ज़मीन जो है काफ़ी उबड़ खाबड़ ज़मीन है, पथराव भरी ज़मीन है कहना चाहिए। और ऐसे ज़मीन सब में जो है अपने इधर उड़द राहड़ और हिरवा सब की खेती जो है किया जाता है। जडगी जो बोलते हैं वो भी यहाँ पे इस घोड़े सब में जो है हो जाता है, वही सब की खेती जो है इधर किया जाता है। और देख सकते हैं कहीं पर भी आपको प्लेन नहीं दिखाई देगा। तो दोस्तों अपने तरफ ट्रैक्टर से भी खेती करते हैं और हल से भी खेती करते हैं। जिनके पास हल व्यवस्था होता है वो अपना हल जोताई करके जो है अपना खेती बाड़ी करते हैं। और देख सकते हैं दादाजी का उम्र, पुराने जो डोकरे लोग रहते हैं वो काफ़ी मेहनती रहते हैं। आज भी देख सकते हैं इनका उम्र नहीं के जगह में 70-80 के लगभग होंगे, लेकिन फिर भी हल जोताई कर रहे हैं। मतलब पूरा ताकत रहते तक जो है मतलब ऐसी खाली रहते नहीं है, पूरा मेहनत करते रहते हैं, अपना खेत खलिहान से जो है हमेशा जुड़े रहते हैं। तो देख सकते हैं ये भी काफ़ी हार्डवर्किंग काम है खेती किसानी जी। यहाँ पर काफ़ी खूबसूरत जामुन का पेड़ है और कुछ बच्चे लोग जो है यहाँ पर बकरी चरा रहे हैं और बकरियों लोगों को जो है जामुन खिला रहे हैं। ठीक है तो जामुन अभी लास्ट कंडीशन में है। तो अभी जो है हम पहुंच गए अपने मूंगफली प्लांट में और इधर देखेंगे तो पापा जी हैं हल जोताई कर रहे हैं। और अपने घर भी मतलब ज़्यादातर जो है हल से ही मतलब खेती बाड़ी किया जाता है और बीच बीच में कभी कभी जो है हम ट्रैक्टर से भी हल जोताई करवा लेते हैं। तो मूंगफली लगाने के लिए जो है देख सकते हैं इसी प्रकार के गोहरी जो हम बोलते हैं वो गोहरी बनाते हैं, ये देख सकते हैं। और गड्ढे गड्ढे में जो है ये देख सकते हैं इस प्रकार से जो है मूंगफली की बीज की जो है रोपाई किया जाता है। तो मूंगफली खेती के लिए जो है अभी समय थोड़ा निकल रहा है, बारिश आया तो एकदम अचानक से आया और लगातार 2-3 दिन तक जो है ताबड़तोड़ बारिश हुआ, जिसकी वजह से इसके मूंगफली के लिए जो है बतर नहीं जम रहा था। तो आज जो है मूंगफली लगा रहे हैं। Thank you.
आ गया। गर्मी के दिन जो है काफ़ी ज़्यादा मार्केट जाते थे, और अभी जो है बरसात चालू है तब से एक भी मार्केट नहीं गया है। तो अपना नज़दीकी पुलेता चौक में जो है बाज़ार बैठता है शनिवार के दिन, तो वहीं जो है हम जा रहे हैं। यार बाज़ार के अलावा जो है मैं कहीं जाता भी नहीं हूँ। पत्थलगाँव भी मार्केट जाना थोड़ा नहीं पड़ता, तमता मार्केट भी नहीं जा पाता। वो अपना नज़दीकी पुलेता चौक होता है, वहीं जो है जाता हूँ। अभी अपने मम्मी के साथ जो है जाएंगे, उसको कुछ काम है, कुछ कुछ सामान वगैरह की ख़रीदारी करना है, तो साथ में जो है मैं जा रहा हूँ। ठीक है, तो ये देखो मम्मी भी तैयार हो गया। क्या क्या लेगी बता? और तो बरबट्टी लेगी, मिर्चा लेगा, और कुछ कुछ साग सब्जी, और वो चिकन मटन वगैरह सारा चीज़ लेगी।